आज यहां झारखंड के राजधानी के इस ऐतिहासिक मैदान में हमारी सरकार के एक साल पूरे होने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे इस राज्य के सबों के आदरणीय सम्मानित दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, यहां उपस्थित भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री, झारखंड सरकार झारखंड के प्रभारी श्री आरपी एन सिंह जी, हमारे सहयोगी आदरणीय मंत्री रामेश्वर राव जी, हमारे सहयोगी भाई सत्यनारायण भोक्ता जी, हमारे मंत्री सहयोगी भाई बादल पत्रलेख जी, हमारे बड़े भाई सांसद धीरज साहू जी, हमारे विधायक बड़े भाई बंधु तिर्की जी, हमारे विधायक भाई राजेश कच्छप जी एवं यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, उपस्थित डीजीपी एमबी राव जी, उपस्थित यहां सभी विभागों के प्रधान सचिव, सरकार के पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस वैश्विक महामारी के बीच में एक साल को पूरा करते हुए यहां आए हुए आप सभी सीमित रूप से विभिन्न जगहों से आए आप सभी लाभुकगण, पत्रकार मित्रों, ये सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से ये सरकार बनी और आपकी इस सरकार को एक साल पूरे होने जा रहे हैं। आज का ही दिन भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर आज ये हमारा सरकार का भी यह स्थापना है, एक साल पूरे हो रहे हैं। आज सभी झारखंड वासियों को आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ में इस राज्य को निर्माण करने में, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जिन भूमिपुत्रों ने भी अपनी कुर्बानी और बलिदाने दी है, उन सभी महापुरुषों को भी मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में
आज इतने बड़े मंच के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूं। इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज इस मंच में जरूर आपके नेतृत्वकर्ता के रूप में हूं, लेकिन मैं आप ही में से एक हूं। और आप ही के बीच का रहने वाला हूं। झारखंडी मेरा नाम है, झारखंडी मेरा पता है, पहचान है, और मुझे ये गौरव है और मुझे ये पहचान ही मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है। और आज आपके इस आशीर्वाद से विगत साल में जो उतार चढ़ाव हम सभी लोगों ने मिलकर देखा है, इस विषय पर कई एक लोगों ने मंच के माध्यम से भी कहा, आप सब लोग जिले स्तर में, गांव गांव में, घर घर पर लगभग हर दिन चर्चा करते हैं। आज आप देखते होंगे लगभग पूरे राज्य और देश के अंदर लोगों के चेहरे ढके हुए हैं, नाक मुंह ढका हुआ है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। विगत साल भर से पूरे देश दुनिया में यह हालात है। एक वैश्विक महामारी इस पूरे धरती में छाया हुआ है, जिसको हम आज के दिन में कोरोना कहते हैं। कोरोना क्या है? हमारे वैज्ञानिक के अलावा आम नागरिकों को बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं है। ये बात जरूर पता है कि ये कोरोना जिसको होता है उसके माध्यम से दूसरे को भी हो सकता है। इसलिए सावधानी और एहतियातन के तौर पर लोग नाक मुंह ढककर रह रहे हैं, हाथ पैर कपड़े लत्ते लगातार साफ करते आ रहे हैं। और आप लोग भी जिसने सुना नहीं उन्होंने देखकर इस नियम का अनुपालन किया, जिन्होंने सुना उन्होंने सुनकर इस नियम का अनुपालन किया, और जिसका मुझे डर था कि ना जाने ये महामारी हमारे इस पिछड़े राज्य को क्या बुरे दिन दिखाएगा, पता नहीं। जिन लोगों ने मुझे आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है उनके लिए मैं किस तरीके से सेवा उनको दे पाऊंगा। लाखों लोगों की देश के अंदर मृत्यु हो गई, करोड़ों लोगों की दुनिया के अंदर मृत्यु हो गई इस महामारी से, लेकिन आज हमारे झारखंड वासियों के सहयोग से, हमारे
सीमित संसाधन के साथ खड़े हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से पुलिस कर्मियों के सहयोग से हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिला समूह की मदद से आज इस वैश्विक महामारी का और इस महामारी में और इससे छुटकारा पाने के लिए जो हम लोगों ने परिचय दिया है वो परिचय भी एक अलग इतिहास बना डाला है। जहां एक तरफ देश का और दुनिया के समृद्ध राज्य और समृद्ध देश जो कोरोना के चपेट में है, आज उन लोगों ने कोरोना के सामने बेबस और लाचार दिखाई देते हैं। और आज इसी बीच में आज इस संक्रमण से लड़ने में अगर राज्यों की तुलना करेंगे तो देश के हम लोग दूसरे तीसरे राज्यों में से होंगे जहां सबसे अच्छी व्यवस्था हमारी कोरोना के सब वक्त हम लोगों ने किया था। आज इसकी चर्चा यहां नहीं, देश के पैमाने में हो रहा है कि झारखंड एक ऐसी और पिछड़ी राज्य है जहां पर सबसे कम लोगों की मृत्यु हुई, सबसे तेजी से लोग स्वस्थ हुए। हां, दुख जरूर है इस संक्रमण में आप लोगों के बीच रहते रहते हमारे कई जनप्रतिनिधि, विधायक की भी जान चली गई, मंत्री जी की भी जान चली गई। हाजी हुसैन अंसारी साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज इस जंग से लड़ते लड़ते हमारे एक मंत्री सहयोगी जगन्नाथ महतो जी, जो आज इस कोरोना को मात देकर बहुत जल्द हम लोग के बीच में आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद। तो ऐसी कई उतार चढ़ाव हमने ये देखा, लेकिन ना ग्रामीण क्षेत्र को हतोत्साहित होने के लिए हमने छोड़ा, ना ही हमारे सुरक्षा कर्मी, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे हमारे कार्यपालिका के सभी पदाधिकारियों को हतोत्साहित होने का हमने किसी को मजबूर होने दिया। और नतीजा यह हुआ कि आज सब लोग मिलकर आज इस वैश्विक महामारी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लगभग 12,000 करोड़ के योजना का शिलान्यास उद्घाटन आज इस मंच से के माध्यम से हुआ। जिलों में भी उद्घाटन शिलान्यास कार्य चल रहे हैं, परिसंपत्तियां बांटी जा रही है। कोरोना के वजह से बहुत लोगों की जमावड़ा नहीं कर सक रहे थे और आज इसलिए एक सीमित तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग विकास कार्य को छूने का प्रयास कर रहे हैं। एक साल हो गए, लगता है सभी कुछ थम सा गया है, लेकिन कब तक? झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 80% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं,
जो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, मजदूरी पर निर्भर हैं, अगर ये रोज मेहनत नहीं करेंगे तो इनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। और जब हम सरकार में आए तो क्या कहें, शासन प्रशासन की पेचीदगी कहें या और कुछ समझ नहीं आता। जब हम विभागों में बैठते हैं, विभागों की समीक्षा करते हैं, और पदाधिकारियों से यह बात करते हैं कि हमें इस राज्य के सभी दिव्यांगों को, सभी वृद्धजनों को, सभी विधवाओं को हम पेंशन देना चाहते हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग, हर वर्ग में विधवा महिलाएं सहयोग के अधिकारी होते हैं, मदद के हकदार होते हैं, हर जाति वर्ग में गरीब लोग हैं, हम उन्हें सहायता देना चाहते हैं। और जब विभाग अपना होमवर्क करके आता है और बड़े निराश मन से ये कहता है, सर इन योजनाओं में तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा, 700, 800, 900 करोड़ रुपए खर्चा हो जाएगा, जब मैं बोलता हूं यहां बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आज के दिन में भी उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया, इस राज्य में जरूरत से ज्यादा गरीबी है, सरकार द्वारा निर्धारित राशन से वो नहीं पूरे हो पाते, हमें उन गरीबों को भी राशन कार्ड देने का हम विचार कर रहे हैं, उसमें भी विभाग की तरफ से निराशा छाई रहती है, सर कैसे होगा, इसमें 250-300 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अगर कोई नया निर्माण करना चाहे, कुछ नई योजना के तहत कुछ निर्णय लिया जाए, नया चीजों का निर्माण अगर करना चाहें तो पता चलता है कि उस विभाग में पहले से 1000-2000 करोड़ रुपया का बकाया है। बड़ा अजीब सा स्थिति, जब हम सरकार में आए थे उस समय की स्थिति थी। हम चाहते थे कि बिजली, और हमारा चुनाव का यह घोषणा भी है, कि गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात, जब हम बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो पता चलता है कि बिजली में भी हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें सत्ता मिली है तो किस तरीके की सत्ता मिली है, और हमें तो कुछ करना था, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां आया हूं, जिन लोगों ने हमें यहां कुर्सी पर बैठाया है, उनके लिए कैसे काम ना हो। इस राज्य के किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी के लिए कैसे काम ना हो। जब हम सरकार के तहखाने तक जाने का कोशिश किए तो पता चला कि वास्तव में जो राज्य का खजाना है, पूर्व की सरकार ने उस खजाने को खाली करके उसकी चाबी हमें थमा दी है। हजारों करोड़ों रुपए का
कर्ज भी आधा हम ही को करना है आप पूर्व के सरकार के, और इसी बीच हमें कोरोना के जंग से भी लड़ाई लड़नी। और उन अस्पतालों के बल पर आज ये जंग हम लड़ रहे हैं जहां उन अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर नहीं हुआ करता था, और एक भी वेंटिलेटर नहीं होने वाले सरकारी अस्पतालों से ही आज इस कोरोना की जंग की लड़ाई हम जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम जानते थे कि इस कोरोना महामारी में हमारा सरकारी अस्पताल, ये बीमार अस्पताल जिसको लोग आए दिन उंगलियां खड़ा करते हैं, यही एक दिन अस्पताल इस संक्रमण में यहां के लोगों का जीवन हार बनेगा। और आज इस सरकार ने इस टूटी फूटी व्यवस्था, इस टूटी फूटी अस्पतालों के माध्यम से आज अपना एक नया कीर्तिमान खड़ा किया। दिन और रात यही सोचता रहा मैं, चुनाव के वक्त दिल्ली मुंबई अनेकों जगह से लोगों ने हमें समर्थन किया, और आज हमारी बारी थी ऐसे चुनौती। और इस समय उन जिनको हम दिल्ली मुंबई गुजरात महाराष्ट्र से हवाई जहाज के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से ला करके राज्य में उनको हमने बुलाया है, तो उनको जीवन और सुरक्षित रखना भी एक जिम्मेवारी हमारी बनी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने झारखंड वासियों को अपने घर पे आने का न्योता दिया, बुलवाया हवाई जहाज के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से। आ तो गए लेकिन ये जिएंगे कैसे? आम दिनों में तो यहां लोग भूख से मरा, कोरोना में तो लगता है कि झारखंड ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे आभास होने लगा। लेकिन इस संक्रमण में भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी जान की बाजी देकर अनेकों भोजनालय खोल करके महीनों महीनों तक यहां के गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का एक कीर्तिमान खड़ा किया। हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन महिलाओं को जिन्होंने अपने बाल बच्चों परिवार का फिक्र किए बगैर इस राज्य के आम लोगों को भोजन भरपेट कराया। और आज नतीजा हुआ, आज इस संक्रमण से और भूख से कोई व्यक्ति मरता हुआ हतोत्साहित होते हुए नहीं देखने को मिला होगा। हम लोगों ने एक पुस्तिका का विमोचन भी किया है, उस पुस्तिका में कई चीजें हम लोगों ने बनाई है, उस पर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। सरकार में आते ही जो हालात व्यवस्था की थी बहुत डरावना और भयावह था, लोगों को दूसरे महीने कैसे तनखे दिए जाएंगे ये भी बहुत परेशान करने वाला था। कई हमारे विपक्ष के लोगों ने हमें कई बार अंकित किया कि सरकार अपने वादों से मुकर गई, रोजगार देने में विफल रही, किसानों को राहत देने में विफल रही, वादा नहीं था, धोखा था। लेकिन जब सरकार के खजाने में कोई चीज रहेगी तभी तो हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं। आज कोई भी योजना धरातल पर उतारी जाती है तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था को देखना पड़ता है, जो पूर्व में बिल्कुल, जो मैंने पहले भी कहा कि हमें खाली खजाने की चाबी मिली। और आज यही वजह
कि किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय हमें एक साल लग गया इस निर्णय को लेते लेते, क्योंकि हमें संसाधन भी जुटाने थे। आज हमारा ये संकल्प है और आने वाले 5 साल में जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में हमारे कार्यपालिका, हमारे पदाधिकारी अपने जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े, तो मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी, ना भारत सरकार के सामने आंख हाथ फैलाने का जरूरत पड़ेगा। हमारे अंदर इतनी संसाधने हैं, हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं और इस राज्य में अब ये राज अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, मुझे लगता है कि 20 सालों में कभी भी इस विषय पर चिंतन नहीं हुआ और नतीजा राज भगवान भरोसे चलता गया और आज स्थिति ये थी, ये हो गई। जो पहला बजट इस राज का था, अलग राज होने के बाद सरप्लस बजट, और आज ये राज देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आके खड़ा है। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी भूल और चूक हुई है या होते आई है जिसके वजह से आज राज के लोगों को, राज को यह भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो आज क्या वजह है कि आज एक एक विषय पर झारखंड का चर्चा दूसरे राज्यों के साथ किया जाता है। आज क्या वजह है कि आज हमारे खिलाड़ी दूसरे दुनिया में जाकर के अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे आंतरिक व्यवस्था में भी इतनी क्षमता है कि इस राज के अंदर खनिज संपदा के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से राज को हम एक सर्वांगीण राज के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज इस देश में ऐसे भी राज हैं जिसके पास कोयला नहीं है, आयरन ओर नहीं है, अब्रक नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन आज वो राज देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से राज गिने जाते हैं। लेकिन हमारे साथ खनिज संपदा के साथ साथ तो प्राकृतिक सौंदर्य भी है। हमारे पास खिलाड़ियों का जखीरा है, हमारे पास कला संस्कृति का अपार भंडार है। हम इसके माध्यम से भी आगे जा सकते थे, लेकिन आज हमारे इस राज्य के खिलाड़ी कहीं हड़िया बेचने में, कहीं दाई खटने में, कहीं पर मजदूरी करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और, नई खेल पॉलिसी के तहत देश विदेश में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और, हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें जिसको लेकर जो हमारे बीच में है, उनके माध्यम से इस राज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम नए टूरिज्म पॉलिसी के साथ आ रहे हैं,
जहां इस राज्य के खूबसूरत सौंदर्य को दुनिया के समक्ष दिखाएंगे। आज जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वो दिन दूर नहीं, अब इस राज्य में भी लाखों रुपया खर्च करके लोग इस राज्य में आने के लिए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। आज कई ऐसी चीजें, हमारा ये पलामू गढ़वा क्षेत्र, बारिश भी कम, शेडो एरिया होने की वजह से वहां बारिश का अभाव होता है। बारिश तो बारिश, बिजली पानी सब चीज किल्लत। आज उस परमंडल में जहां 2 घंटा मुश्किल से लोगों को लाइट मिलती थी, सरकार ने आते ही 6 महीने के अंदर नया ट्रांसमिशन लाइन तैयार करके 20 घंटा बिजली देने का काम अभी ये सरकार कर रही है। कई ऐसी चीजें, आज हमारा यहां शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग नई लकीर और मजबूत लकीर खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में कई स्कूलें बंद हो गई, पता नहीं शिक्षा को किस दिशा में जाना था, क्या उसके लिए ब्लूप्रिंट था, किसी को पता नहीं। आज उसी के तहत हम लोग 5,000 आदर्श विद्यालय स्थापना करने के लिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। और इसके साथ इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अगर उन सब पर चर्चा करेंगे तो समय भी कम पड़ेगा। कई जिलों में और कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां पर भी लोग हमें देख रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस राज्य के 24 जिलों में जहां हमारी सरकारी स्कूलें संचालित हैं, उसी के साथ साथ हर जिले में एक मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होगा। पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम प्लस 2 तक का स्कूल 24 जिले में शुरू किए जाएंगे। हमारे विद्वान अगुआ, हमारे मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान के मन में कई सवाले हैं कि सरकार नौकरी कब देगी, जेपीएससी का एग्जाम कब होगा, जेसीएससी के माध्यम से एग्जाम कब होंगे। आपको हम बता दें, पूर्व में जो जेपीएससी पर अंगुलियां उठती रही हैं और पूर्व में जेपीएससी के साथ कोई सहयोगात्मक रवैया भी सरकार का नहीं रहा और नतीजा ये रहा कि साल दर साल बीत गए, 20 साल हम लोगों ने ये राज्य को देख लिया, अभी तक 6ठे जेपीएससी में ही लगे रहे और वो भी हमारे सरकार बनते ही हमने उस रिजल्ट का समाधान किया। और उसके लिए अब हम लोगों ने नया नियमावली जेपीएससी के लिए बना ली है। आज के बाद से जनवरी के पहले सप्ताह तक में ये राज्य के नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जेपीएससी के माध्यम से उसका एक नया कैलेंडर होते निकालते हुए लगातार आपके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना शुरू कर देगी। यहां हमारे अनुबंध कर्मी कई अपने हक अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत रहते हैं। हम सरकार में आते ही उन अनुबंध कर्मियों के समाधान हेतु एक कमिटी का हमने गठन किया है और ये अनुबंध
गर्मी बड़ा ही विचित्र सा एक जिलेबी सा बन गया। एक सुलझाव दूसरा उलझता है, दूसरा सुलझाव तीसरा उलझता है। समेकित रूप से सभी का समाधान हो, भले थोड़ा उसमें समय हमें लगे, लेकिन अनुबंध कर्मियों की हमेशा के लिए समस्या समाधान हो, इसके लिए हम लगातार राज्य के अनुबंध कर्मियों पर चर्चा कर रहे हैं और कमेटी के साथ विचार विमर्श चल रहा है। आज आपने देखा कई तरीके के रोजगार कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, और इस राज्य का सबसे बड़ा हम लोगों का एक भावनात्मक इस राज्य का विषय रहा है कि यहां आदिवासी हित लोगों के हितों की बात। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मार्च से पहले पहले तक ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहां पर स्थापित उद्घाटन करने के साथ अपने अस्तित्व में आते हुए यहां के आदिवासियों को उसका लाभ देना प्रारंभ करेगी। अभी आपने देखा पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया, और यह पशुधन योजना इस राज्य के झारखंड वासियों के लिए इतना सरल और इतना व्यवहारिक योजना है जो यहां के जन जन के जहन में है। घर घर में इस चीज का एक परंपरागत व्यवस्था चली आई है। बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, नौकरी पेशा करने वाले लोग, किसी के पास बैंक बैलेंस होता है, किसी के पास एटीएम कार्ड होता है, लेकिन किसान मजदूर इन लोगों के पास ना बैंक बैलेंस होता है ना एटीएम कार्ड होता है। यही पशुधन इनका बैंक बैलेंस होता है, यही पशुधन इनका एटीएम कार्ड होता है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए इन गरीबों के पास भी पशुधन नाम करके एक एटीएम हो, इसलिए हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ की है, जहां बड़े पैमाने पर गाय बकरी सुअर मुर्गी बतख पालने की योजना चलाई जाएगी। मछली पालन में ऐसे ही हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं कि आप आने वाला समय में ये राज्य मछली आयात नहीं बल्कि मछली निर्यात करने की स्थिति पर आ जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं, आज हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत इस कोरोना काल में लोग हतोत्साहित ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाए, इसके तहत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जल समृद्धि का योजना प्रारंभ किया। लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने के लिए कार्य पूरे किए गए। उसी तरीके से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगाने का काम किया गया। लगभग 5 लाख एकड़ जमीन में ये फलदार वृक्ष लगाए गए, और हमारा ये लक्ष्य है कि इस राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ये वृक्षारोपण का कार्य चलता रहे और इस तरीके से चले कि उसका लाभ राज्यवासियों को मिले, और आने वाला समय में 10 लाख एकड़ जमीन में यह फलदार लगाने का हमारा लक्ष्य है। इसके साथ हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे एक नौजवान खेल में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में खेल को वो अपना अभिनंग नहीं बना पाते, इसलिए वीर शहीद पोटो खेल के योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं,
और उस मैदान में और भी चीजें हमें जोड़नी है, जैसे कि वहां पर कपड़े बदलने का चेंजिंग रूम हो, शौचालय हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो और खेल सामग्री की। और आज इसी संक्रमण के दौरान जो हमारे इस राज्य में जो भूमिहीन लोग हैं और जो लोग खेती बाड़ी करते हैं और हमारा इस राज्य में लगातार लोगों को पट्टा देने का कार्य चलता है, इस वर्ष हम लोगों ने 77,347 एकड़ जमीन का पट्टा भी स्वीकृत कर दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्र की सशक्तिकरण के लिए, और हम जानते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्रोत बढ़ेगा तभी राज्य की विकास में गति आएगी। आज इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो वन उपज है उसको सही बाजार मिले, सही मूल्य मिले, उसके लिए हम एक फेडरेशन का निर्माण करने का काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर लाह, इमली, चिरौंदी, आंवला जैसे अनेकों वन उपज है जिसका सही मूल्य और सही लाभ ग्रामीणों को मिल सके। इसके साथ साथ राज्य में स्वच्छ पानी पिलाने का और स्वच्छ पानी मिलने का भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसलिए घर घर लोगों को स्वच्छ पानी मिले इसके तहत घर घर नल पहुंचाने का भी एक बड़ा कार्य योजना तैयार किया गया है। झारखंड का मुख्य आधार जो है हमारे इस राज्य के 32,000 गांव हैं, और 32,000 गांव के अंदर और वहां की जो स्थिति वास्तविक है वो किसी से छुपी नहीं है। हम लोग कोई विदेश और कहीं ऐसे जगह से नहीं उठ के आए हैं जहां यहां के ग्रामीण क्षेत्र को नहीं जानते। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे अहम योजना चलती है मनरेगा की, मनरेगा गरीब मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर है, लेकिन आए दिन मनरेगा में कई गड़बड़ियां सुनते हुए, कहीं पर समय पर पेमेंट नहीं होता, कहीं पर किसानों का मजदूरी कोई निकाल लेता है, इस तरीके के घटने। मनरेगा में मजदूरी कम है, लोग इसलिए उसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते। आज इसीलिए हमने राजकोष से भी मनरेगा मजदूरी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 195 रुपए है, 94 रुपए का है, उसको राजकोष से बढ़ाकर आने वाला समय में मनरेगा मजदूरों में 225 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय बनाया है। और हम आपको वादा करते हैं सरकार अपना संसाधन बढ़ाने पर लगी हुई है, कई नए टैक्सेशन रिफॉर्म्स हम लोगों ने किया है, और सरकार के अंतिम साल होते होते सरकार 300 रुपया तक का मनरेगा में मजदूर देने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। अभी राज्य फसल राहत योजना भी प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना भी तैयार किया गया है, गरीबों को हर साल दो बार उनका तन ढकने के लिए उनको कपड़े देने की भी योजना, धोती साड़ी लुंगी की योजना प्रारंभ कर दी गई है। और इसी के साथ साथ इसी सत्र से जमशेदपुर में जो महिला विश्वविद्यालय स्थापित है उसका भी सभी पदें स्वीकृत की गई हैं, और
वो संचालित इसी सत्र से किया जाएगा, ये भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। इस राज्य में सभी वृद्धाओं को पेंशन मिले, 60 साल से उम्र की अधिक महिलाएं जो भी हैं, उन सभी महिला पुरुष, उन सभी लोगों को पेंशन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें सरकार के द्वारा लगभग 5 लाख नए और लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना तैयार हो चुकी है और इस राज्य की एक और बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में उसको देखा जाए वो है कुपोषण का। हमारा लक्ष्य है कि इस साल, ये चूंकि कोरोना का एक साल पूरा हुआ है, कोरोना समाप्त होता है और हम गति देते हैं इस सरकार के कार्य योजनाओं को, तो ये कहा जाए कि ये हमारा पहला कदम होगा सरकार का, जो आज हम लोग इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। और इसमें प्राथमिकता के आधार पर कुपोषण मुक्त झारखंड कैसे बने, इसके लिए 250 करोड़ की लागत से 5 लाख बाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाएगी। और साथ में यहां पर एक और जो एक बहुत चर्चित और आम लोगों से जुड़ा विषय है, लोगों को यहां जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, लाखों पेंडिंग रहते हैं ऑफिसर के पास ब्लॉकों में। अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है जो भी आवेदन करेगा, आवेदन की तिथि से 15 दिन के अंदर उसको वो प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो जिस टेबल में जो व्यक्ति होगा वो बर्खास्त किए जाएंगे। कई चीजें हैं, मुझे लगता है कि समय अभाव में मैं उन बातों को कहने में मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह और निवेदन है कि आज साल के इस सरकार के एक साल पूरे होने के इस शुभ अवसर पर यहाँ आकर के जो आप लोगों ने सरकार के हौसले को और बल दिया है, आप ही लोगों के उत्साह से, आप लोगों के समर्थन से सरकार अपने कार्यों को और उनके लक्ष्यों को हासिल करती है।